इस वीडियो में हम आपको ओप्पो न्यू 7 के डेट सॉल्यूशन कैसे करना है वो बताएंगे। सो सबसे पहले हम आपको वाटर डैमेज के बारे में बताएंगे, उसके बाद नंबर 2 में आपको बताएंगे ड्रॉट डैमेज, उसके बाद नॉर्मल डैमेज। यानी इन तीन कंडीशन में अगर वाटर डैमेज हुआ है आपका फ़ोन, या फिर ड्रॉप डैमेज कहीं से गिर कर डेड हुआ है, या फिर नॉर्मल डैमेज भी हुआ है, नॉर्मल तरीके से डेड हुआ है, तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं, यानी उसका डेड का सॉल्यूशन क्या है, अगर आपको जानना है तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओप्पो न्यू 7 जो है, जिसे ओप्पो A33M, ओप्पो A33M बोलते हैं, उसका जो डेड सॉल्यूशन है उसे कैसे कर सकते हैं, यानी हम आपको पूरा डेड सॉल्यूशन बताएंगे। पहले हम बात करेंगे वाटर डैमेज के बारे में, उसके बाद ड्रॉप डैमेज जब ऊंचाई से गिर के जब खराब हुआ उसके बारे में, उसके बाद नॉर्मल डेड के बारे में, नॉर्मल डैमेज जो होता है उसके बारे में। हम तीन तरह का डेड सॉल्यूशन आपको बताएंगे। देखिए ओप्पो न्यू 7 का जो डेड सॉल्यूशन है, आप इस वक्त अपने कस्टमर से, अपने जिस भी आप जिसका भी कस्टमर केयर, अगर आपका मतलब आपका शॉप है और किसी ने आपको ओप्पो न्यू 7 का मॉडल दिया है रिपेयरिंग करने के लिए, डेड सॉल्यूशन करने के लिए, सबसे पहले आपको ये पूछना है उससे कि भाई ये किस तरीके से डेड हुआ है। पहला, वाटर डैमेज तो नहीं हुआ। दूसरा, क्या डेड हुआ है जो नॉर्मल तरीके से हुआ है, या फिर ड्रॉप डेड हुआ है, किसी गिरने की वजह से डेड हुआ है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना भाई आप रिपेयरिंग उसका डेड का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, यानी रिपेयरिंग कर नहीं पाएंगे। ओके गाइस, तो आप ये जरूर पूछ लेना। अगर आपका खुद का फोन है और आप खुद अगर रिपेयरिंग कर रहे हैं तो भाई इसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको पता होगा कि किस तरह खराब हुआ है, या फिर ओवर हीटिंग की वजह से खराब हुआ है वो भी आपको पता होगा। तो चलिए हम यहाँ ट्रिक नंबर 1 यानी स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। वाटर डैमेज डेड, यानी वाटर यानी पानी में गिरने की वजह से डेड हुआ है, या फिर इसके ऊपर पानी गिरने की वजह से फोन जो है वो डेड हुआ है। इस कंडीशन में आपको 5 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप, आपको अपने मोबाइल को पहले ये चेक करना है कि भाई जो वाटर जो गया है, आपको सबसे पहले अपना जो मोबाइल है उसे ओपन करना होगा, यानी कह लीजिए डिसेबल करना होगा, खोलना होगा। ओके, डिसेबल करने के बाद आपको अपने मोबाइल को अच्छे तरीके से, अपना हो या फिर आपके कस्टमर का हो, किसी का भी होगा, उसको अच्छे तरीके से कंजूसी नहीं करना है, अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। ओके गाइस, क्लीन करने का खास तौर पर बैटरी कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर, और इसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है। उसका चार्जिंग पत्ता कनेक्टर होता है वो कनेक्टर को, उसके बाद डिस्प्ले का जो होता है पत्ता, उससे बैटरी का पत्ता, और साथ में चार्जिंग पोर्ट का जो पत्ता होता है उसे अच्छे तरीके से आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको इसे पावर ऑन करना है, जिस तरह आपने खोला था, बैटरी लगाना है, डिस्प्ले कनेक्टर लगाना है, और साथ में जो चार्जिंग का जो पत्ता होता है उसको लगा के पावर ऑन करना है। ऑन करने में आपको ये देखना है, आपको ये मत सोचना कि भाई डिस्प्ले में लाइट आ रहा है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये चेक करना है कि भाई अगर डिस्प्ले में लाइट नहीं भी आया, क्या आपका मोबाइल जो वाइब्रेशन हुआ, ऐसा होता है ना कुछ साउंड, मैं साउंड इफेक्ट लगा देता हूँ, तो इस तरह का एक साउंड होता है जिस वक्त पावर ऑन होता है, आपको वो देखना है कि पावर ऑन हो रहा है या नहीं। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप चलते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। ओके गाइस, स्टेप नंबर 2 यानी ट्रिक नंबर 2 मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको अपना जो भी मोबाइल फोन, अपने जो वाटर डैमेज था ओप्पो का, उस फोन को, हमारे इस फोन को क्या करना होगा, आपको सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज चेक करना है कि भाई बैटरी का वोल्टेज सही है या नहीं। जी हाँ, अगर चेक करना है बैटरी का वोल्टेज सही है या नहीं, अगर सही है तो सही है, अगर गलत है यानी बैटरी का वोल्टेज नहीं है, तो आपको उसको बूस्ट करना है। बैटरी बूस्टर आता है, उसमें लगा के इसे बूस्ट कर देना, 10 मिनट तक छोड़ देना है, फिर चार्ज हो जाएगा, उसके बाद आपको लगाना है, लगाकर पावर ऑन करना है, फिर देखना है पावर ऑन हुआ या नहीं। स्टेप नंबर 2 भी गया, अगर स्टेप नंबर 2 में भी आपका पावर ऑन नहीं हुआ तो चलिए हम स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, आपको अपने पावर बटन को चेक करना है कि भाई पावर बटन कहीं खराब तो नहीं हो गया, पानी घुसने की वजह से कहीं खराब तो नहीं हो गया भाई, उसको चेक करना।
अब आप बोले उसे चेक कैसे करना है, उसके लिए आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। अगर मल्टीमीटर से चेक नहीं करना है तो आप ये काम करना, आपको जो मदरबोर्ड जहाँ पर ओप्पो का जो लगता है कुछ इस तरह का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस तरह के, यहाँ दो पॉइंट होते हैं पावर बटन के, इन्हें आपस में ट्वीजर की मदद से शॉर्ट करना है। शॉर्ट करके देखना है कि भाई आपका जो ओप्पो का ये जो न्यू से बना ये ऑन होता है या फिर वाइब्रेशन करता है या नहीं। अगर वाइब्रेशन कर रहा है तो गाइस आप डिस्प्ले चेंज कर लेना, फिर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। आपको अपने मोबाइल का जो मदरबोर्ड है उसे अपने मोबाइल से अलग करना है। उसके बाद मदरबोर्ड के ऊपर क्या करना होगा आपको बता देता हूँ। मदरबोर्ड के ऊपर अच्छे तरीके से, भाई कंजूसी नहीं करना, अच्छे तरीके से फ्लक्स लगाना है। फ्लक्स लगाने के बाद हॉट एयर गन की मदद से इसे हीट देना है। हॉट एयर गन की मदद से जैसे ही हीट देंगे उसके बाद आपको इसे स्टेबल रखना है, किसी टेबल वगैरह पर रख देना, वरना भाई कोई कंपोनेंट अगर झड़ गया तो भाई और आप लगा नहीं पाएंगे। इतने छोटे छोटे उसमें कंपोनेंट होते हैं, अगर झड़ गए तो भाई आप लगा नहीं पाएंगे। इसलिए आपको बोलता हूँ एक जगह पर रख देना, स्टेबल रखकर रख के, जैसे टेबल पर है टेबल पर ऐसे रख देना है। रख कर आप क्या करना होगा उसके ऊपर हॉट एयर गन की फ्लक्स लगा के हॉट एयर गन की मदद से हीट देना है। हीट देना है, हीट देने के बाद अब आपको 5 मिनट तक छोड़ देना है, 2 से 5 मिनट तक छोड़ देना है फैन चालू करके, वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से बैटरी लगा के पावर ऑन करना है और देखना है कि भाई पावर ऑन होता है या नहीं। अभी वाइब्रेशन भी हो गया तो भाई पावर ऑन हो रहा है, अगर फिर भी नहीं हुआ तो चलिए आखिरी स्टेप की ओर बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 5। चलिए स्टेप नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5 में आपको ये चेक करना है कि कहीं कोई कंपोनेंट वॉश करते वक्त, जिस वक्त आपने वॉश किया था उस वक्त कोई कंपोनेंट झड़ तो नहीं गया। अगर झड़ गया है तो उसे आपको उस जगह पर जम्पर लगाना है। जम्पर लगाने के बाद या फिर वो कंपोनेंट अगर आपके पास है, अगर कहीं हुए आपके पास, अगर आप टेबल पर कर रहे हैं तो भाई वहीं तो होगा, उसे आपको एक बार लगा देना है, लगा के पावर ऑन करना है, फिर चेक करना है आपका पावर ऑन होता है या नहीं। अगर फिर भी नहीं हुआ तो गाइस अब कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, मैं क्या कोई और भी आपको इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता। तो आपको इस मोबाइल को अपने जिस भी पास से, जिसके पास से लिया था उसे फिरा देना है, बोल देना है नहीं होगा, या फिर आपका फोन अपना है तो भाई फेंक दो, कोई काम कर नहीं है, नहीं फेंकना मत, रख देना। उसका पार्ट किसी और मोबाइल में अगर वही मॉडल आ जाता है तो उसमें काम आ सकता है, इसलिए फेंकना नहीं है, कोई भी चीज को फेंकना मत, कभी भी काम आ सकता है। ओके गाइस, तो चलिए अब जान लेते हैं कि भाई इसका ड्रॉप डैमेज जो होता है उसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कहीं से गिरने की वजह से अगर खराब हुआ है हमारा ओप्पो का जो न्यू 7 है तो उसका डेड सॉल्यूशन क्या है। स्टेप नंबर 1, आपको अच्छे ओपन करना है, डिसेबल करना है अपने मोबाइल को। अगर नहीं पता तो भाई इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाकर चैनल पर विजिट करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, क्लिक करके देख लेना किसी भी मोबाइल को कैसे डिसेबल करना है। कोई नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उसे ओपन करना है और अच्छे तरीके से आपको मदरबोर्ड को उसके चेक करना है कि कहीं कोई कंपोनेंट झड़ तो नहीं गया। अगर झड़ गया है तो उस कंपोनेंट का नंबर क्या है वो पता करना है। आप इंटरनेट पर सर्च करके पता कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट पर सर्च करना नहीं आता तो गाइस आप कमेंट करके मुझे भाई बोलो क्या जाता है कमेंट करने में, छोटा सा कमेंट करके बोलो, मैं एक वीडियो बना दूंगा। कोई नहीं, अभी उसके बारे में बाद में बात करते हैं। उसके बाद आपको चेक करना है, अगर हो सके तो भाई उसको एक बार जम्पर कर लेना, जम्पर करके एक बार ऑन करके देखना है पावर ऑन होता है या नहीं। हो गया, उसके बाद अगर ऑन नहीं हुआ तो चलिए स्टेप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर टू में आपको अपने मोबाइल को जितने भी कनेक्टर हैं, जैसा कि डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, चार्जिंग का जो कनेक्टर आता है वो कनेक्टर, जो चार्जिंग पत्ते कनेक्टर वो हो गया, और जो हमारा बैटरी कनेक्टर है उसको देखना है कहीं कोई वो हिल तो नहीं गया। अगर हिल गया उसकी वजह से भी आपका जो डेड है वो डेड आ रहा होगा, यानी पावर ऑन नहीं हो रहा होगा, तो इस कंडीशन में आप फ्लक्स लगा लेना। फ्लक्स लगा कर आपको हॉट एयर गन की मदद से हीट देना है, थोड़ा देर 2 से 3 सेकंड हीट देकर छोड़ देना है। उसके बाद देखना है कि भाई सही हुआ या नहीं, अगर नहीं हुआ पावर ऑन लगाना है, लगा के पावर ऑन करना है, देखना है सही हुआ या नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं, अगर नहीं हुआ तो स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, आपको अपने पावर बटन को चेक करना है कि पावर बटन का जो पत्ता होता है वो कहीं टूट
तो नहीं गए, या फिर डिस्प्ले का, बैटरी का कोई भी पत्ता अगर आपका कहीं से टूटा हुआ है तो उस पत्ते को आपको जम्पर करना है। वैसे मुझे पता है डिस्प्ले का पत्ता जम्पर करना, बैटरी का पत्ता जम्पर करना बहुत मुश्किल है भाई, इतना मुश्किल कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप कमेंट करके बोलते हैं मैं आपको जम्पर कैसे करना वो बता दूंगा, कोई नहीं बता दूंगा मेरा क्या जाता है, मैं अगर आपको बताऊं तो आपका हेल्प होगा। आप सिर्फ जो वीडियो को देखते हैं वही, लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, याद करके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस, स्टेप नंबर 3, आपको चेक करना है अगर कोई भी पत्ता टूटा है तो उसे अच्छे तरीके से लगा लेना है, या फिर वाइब्रेशन जो होता है उसका जो होता है उससे अगर छीट गया है, तार धो लगे होते हैं ना वो अगर टूट गया तो उसे सोल्डिंग करके लगाना, उसके बाद देखना अगर पावर ऑन होता है तो सही है। स्टेप नंबर अगर नहीं ऑन हुआ तो चलिए स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 ये जो है ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, आपको अपने बैटरी को ओपन करना होगा। ओके गाइस, बैटरी को ओपन करने पर बैटरी के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, उन्हें चेक करना होगा कि कहीं ये शॉर्ट तो नहीं हो गई। ओके गाइस, आपको ये चेक करना है कहीं ये शॉर्ट नहीं होगा, अगर शॉर्ट हो गए क्योंकि छड़ के लग जाएगा ना, शॉर्ट हो जाएगा तो बैटरी पावर ऑन नहीं होगा इस कंडीशन में, वरना आप मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। बाकी अभी यार नॉइस आ रहा है क्योंकि ये जो माइक है मैंने घर पर बनाया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉइस नहीं आएगा, मैं बोया का माइक ऑनलाइन में ऑर्डर कर दिया हूँ, आ जाएगा, हम बोया के माइक में। आपने ये चेक कर लिया है, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 यानी स्टेप नंबर 5 की ओर। स्टेप नंबर 5 में वही सब, आप सारा कुछ आपने चेक कर लिया, उसके बाद वाइब्रेशन अगर नहीं हो रहा है, पहले ये चेक करना है कि वाइब्रेशन का गिरने की वजह से खराब तो नहीं हो गया। अगर आपके पास नया वाइब्रेशन का जो आता है किट उसे लगा कर देखना, अगर हो गया तो गाइस बहुत अच्छा है, या फिर डिस्प्ले अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप डिस्प्ले चेंज करना, अगर हो गया तो भाई बहुत सही है। ये स्टेप नंबर 5 था, अगर इसके बाद नहीं हुआ तो भाई और किसी भी तरीके से डेड सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब बात करते हैं नॉर्मल डेडिंग के बारे में, मतलब नॉर्मल ऐसे ही हमने फोन को रख दिया और ऑटोमेटिकली भाई डेड हो गया, कुछ नहीं, कोई कांडो वांडो नहीं किया है हमने, हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, या फिर चार्ज में लगाया और डेड हो गया। भाई इस कंडीशन में दो ही हो सकता है, या तो आपका आईसी खराब हो सकता है या फिर आपका बैटरी खराब हो सकता है, तो आपको दोनों का अच्छे तरीके से चेक करना है। अगर आईसी खराब है तो ऑनलाइन में अलीबाबा पर आईसी मिलते हैं, आप वहां से मंगा कर डाल सकते हैं, और लेकिन भाई इतना देर तो अगर अपना फ़ोन है तो भाई हो सकता है अगर किसी मतलब आपके कस्टमर का है फ़ोन तो भाई वो तो जान ले लेगा आपका, इसलिए आप मत रखना ऑनलाइन के लिए। अगर हो सके तो आपके कहीं आपके वहाँ अगर बड़ा शॉप हो जहाँ से आपको डिस्प्ले वगैरह खरीदते हैं वहाँ अगर मिल जाए तो आप लगा कर देखना, वरना बैटरी चेक करना मल्टीमीटर की मदद से सारा कुछ करके देख लेना, अगर पावर ऑन हो गया तो हो गया, वरना भाई नॉर्मली डेड जो होते हैं ना उनका डेड सॉल्यूशन करने में भाई पूरा जाम हो जाता है मुझे नहीं। अगर हाँ ओवर चार्ज की वजह से खराब हुआ है तो इसका जो आईसी है वो उड़ जाएगा, फट जाएगा, और आप रिप्लेस कर सकते हैं, वापस आप नया आईसी लगा कर सही कर सकते हैं, या फिर नया बैटरी लगा कर आप अपने मोबाइल को सही कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको इस काम में आया, आपका मोबाइल डेड हो गया था और इसका इस वीडियो की मदद से आपका सॉल्यूशन डेड सॉल्यूशन हो गया, सो गाइस आप इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को में कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपका सॉल्यूशन हुआ या नहीं। अगर